अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे लोगों से बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप वूकॉमर्स का जो चेकआउट पेज है उसके अंदर जो फील्ड्स होती हैं, जो फॉर्म की फील्ड्स होती हैं, उनको किस तरह से आप लोग एडिट कर पाते हो। बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको लेबल्स जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, या फिर कोई भी फील्ड्स उनको नहीं चाहिए होती, उन फील्ड्स को, एक्स्ट्रा फील्ड्स को रिमूव करना है, वो आपको शो नहीं करवानी। कोई काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो कि ऑप्शनल है, उनको किस तरह से आपने रिक्वायर्ड करना है कि यूज़र को लाजमी वो फील्ड्स फिल अप करनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से की जा सकती हैं, चेकआउट पेज को किस तरह से एडिट किया जा सकता है। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और ये सारा काम आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली करके दूँ। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारा जो पेज है उसके अंदर कुछ इस तरह से फील्ड्स ये मौजूद हैं सारी। तो हमें क्या करना है, इनके फील्ड्स लेबल्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, कोई भी फील्ड को हाइड कर सकते हैं, किस तरह से किसी भी फील्ड को मैंडेटरी या ऑप्शनल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, कंपनी नेम ये जो है ये ऑप्शनल है, तो और यहाँ पे देखें ये कंट्री है रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये है कि कंपनी लाजमी आप लोग ये कंट्री लाजमी आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अगर ये इसको फिल ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको किस तरह से रिक्वायर्ड करना है, या जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप करना चाहें, तो आप लोगों ने क्या करना है, डैशबोर्ड के अंदर आ जाना और यहाँ पे सिंपल सर्च करना है चेकआउट फील्ड एडिटर। और सिंपल यहाँ पे जो पहला प्लगइन है चेकआउट फील्ड एडिटर बाय थीम हाई, इसको सिंपल आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना है, और कुछ इस तरह से आप लोगों ने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखें, आप लोगों को यहाँ पे कहीं ये ऑप्शन नज़र आना चाहिए वूकॉमर्स के अंडर। यहाँ पे देखें चेकआउट फॉर्म, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है अंडर वूकॉमर्स चेकआउट फॉर्म, और यहाँ पे आप लोगों को सारे ऑप्शंस कुछ इस तरह से नज़र आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ और इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे यूज़र का नेम है फुल नेम, ओके, कुछ इस तरह से। और इसको मैं रिक्वायर्ड इनेबल्ड, ओके, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो लास्ट नेम है, ये वाला फील्ड शो ना हो यूज़र को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो लास्ट नेम वाला फील्ड है, इसको सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इनेबल को अनचेक कर दूँगा, और इसको भी अनचेक कर दूँगा डेफिनेटली, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा। अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ क्या ये चीज़ें जो मैंने की हैं वो अप्लाई हुई हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखें, वो फील्ड यहाँ से हट चुकी है, ओके। तो इसी तरह से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, वापस बैक ले आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे आप एडिशनल फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं सारी फील्ड्स को, ओके। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये बिलिंग है, कंपनी नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से ऑफिशियल कंपनी नेम। तो इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसको अगर रीलोड करूं तो यहाँ पे देखें, जो कंपनी नेम ऑप्शनल था, कुछ इस तरह से जैसे मैंने चेंज किया उस तरह से यहाँ से शो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, ये हो गया। अब ये ऑप्शनल इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि हमने इसको रिक्वायर्ड नहीं किया था। तो यहाँ पे ये देखें, कंपनी नेम ये रिक्वायर्ड नहीं था, इसको रिक्वायर्ड करेंगे तो ऑप्शनल वाला ऑप्शन जो है हट जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पे हमारे पास कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे यहाँ पे ऐड फील्ड, यहाँ पे आप किस तरह की फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं कि यूज़र क्या सिलेक्ट कर सके, टाइम सिलेक्ट कर सके, या पासवर्ड, या हिडन, या कुछ भी, राइट। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है वो जेंडर सिलेक्ट कर सके, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ जेंडर, ओके। और यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट करता हूँ जेंडर, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, वैल्यू ऐड करनी है, जैसे मेल और कॉमा फीमेल, इस तरह से जितने भी, और यहाँ पे लास्ट कर देते हैं नॉट स्पेसिफाइड, ओके, कुछ इस तरह से मैंने ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे क्लास मुझे मेरे ख्याल से सिर्फ कुछ भी, लेट्स सपोज जेंडर ही मैं क्लास लिख देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, मेल फर्स्ट वाला, ओके, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, मेल ही लिख देता हूँ, सॉरी, ओके। यहाँ पे फिर और ऑप्शन मुझे ऐड करने हैं इस तरह से, फीमेल, ओके, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, नेम आईडी मस्ट बी विद लोअर केस, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है इसको मैं लोअर केस में डाल देता हूँ और फिर अगेन सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें,
ये हमारा जो है सेव हो चुका है एडिशनल फील्ड। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और देखता हूँ क्या एडिशनल फील्ड आ चुकी है या नहीं आई जो भी फील्ड मैंने ऐड की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किधर है, यहाँ पे देखें ये जेंडर की फील्ड उसी तरह से रेडियो बटन में आ चुकी है कि यूज़र सेलेक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जो कि आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लाइक कंप्लीट चेकआउट पेज पे आप एडिट कर सकते हैं, कोई भी फील्ड डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है फ्री में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं चेकआउट को एडिट करने के लिए। और यहाँ पे देखें शिपिंग फील्ड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक तो ये है बिलिंग फील्ड्स और यहाँ पे हमारे पास शिपिंग फील्ड का कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप एक को ही एडिट करेंगे तो यहाँ से भी और काफ़ी सारे फील्ड्स आपको नज़र आएंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं इस प्लगइन को यूज़ करते हुए चेकआउट फॉर्म को, चेकआउट पेज को एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर कोई भी फील्ड एडिट, ऐड, डिलीट या कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, कमेंट कर दें अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है। इसके साथ साथ अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कोई भी आपको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए चीप प्राइसेस के अंदर तो आप आके मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।